हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लडहाउंड के बारे में, कि ये स्टेटमेंट क्या बोलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन एनी पर्सन स्टार्ट द बिजनेस देन वेरियस ट्रांजेक्शन आर क्रिएट रिलेटेड टू द कैश एंड बैंक अराइज इन द बिजनेस। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उस बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अब वो ट्रांजैक्शन किससे मतलब रिलेटेड होंगे, कैश से होंगे, बैंक से होंगे। तो जब भी हम अपने बैंक में ये कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन को फिल करेंगे, देन हमें अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब जब हम अपने अकाउंटेंसी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें कहीं कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं आ रहा, इसको चेक करने के लिए हम ऑडिटिंग को भी अपॉइंट करेंगे सारी एक्यूरेसी के लिए। और ऑडिटिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंड द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। यानी ये कि जो हमारा ऑडिटिंग है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे बिजनेस के फेयर और ट्रू वैल्यू को शो करने के लिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लडहाउंड, यानी कि ऑडिटर जो है वो एक वॉच डॉग तो है लेकिन एक ब्लडहाउंड नहीं है। कैसे नहीं है मतलब, और वो वॉच डॉग है, इसका क्या स्टेटमेंट, क्या मतलब है इसका। सबसे पहले हम देखते हैं ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग। इट मीन्स अ डॉग ऑलवेज थिंक अबाउट द ओनर, यानी ये कि एक जो डॉगी होता है वो हमेशा अपने ओनर के प्रति बहुत ही वफादार होता है। सेम है जो हमारा ऑडिटर है वो भी अपने कंपनी की तरफ बहुत ही ज़्यादा वफादार रहेगा। ऑडिटर ऑलवेज थिंक अबाउट द ओनर ऑफ द कंपनी, एक ऑडिटर हमेशा अपने कंपनी के ओनर के बारे में सोचता है। एन ऑडिटर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस, यानी ये कि जो हमारा ऑडिटर होता है ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये अपने बिजनेस के जिस भी कंपनी में ये वर्क कर रहा है ऑडिटिंग का, उस बिजनेस का ट्रू और फेयर वैल्यू प्रेजेंट करे हमारे ओनर ऑफ कंपनी के सामने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बट दिस टास्क इज़ टू डिफ़िकल्ट बिकॉज पीपल अराइज ऑलवेज फ्रॉड इन द कंपनी, ऑडिटर मेक श्योर टू एग्जामिन ऑल द फ्रॉड। दैट मीन्स कि हमारा जो ऑडिटर है वो तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक ट्रू और फेयर वैल्यू दे बिजनेस का, लेकिन ये वर्क करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपनी के लोग जो होते हैं फ्रॉड किए रहते हैं, एरर्स क्रिएट किए रहते हैं, तो उन सारे फ्रॉड को वो सही हो जाए, किसी तरीके से पास हो जाए, ऑडिटर के नज़र में नया है, बहुत सारा कोशिश करते रहते हैं। तो ऑडिटर को बहुत ही ज़्यादा सियोरिटी के साथ किसी भी चीज़ों को एग्ज़ामिन करना पड़ता है ताकि उस एग्ज़ामिन के बाद कोई भी फ्रॉड उस अकाउंटिंग्स में न रहे। इसके बाद ये मतलब कि ये पूरा स्टेटमेंट यही बता रहा है कि हमारा जो ऑडिटर है वो हमेशा एक वफादारी का काम करता है हमारी कंपनी के लिए, ताकि हमारी जो कंपनी है हमेशा सक्सेस की तरफ जाए, कोई भी विंडो ड्रेसिंग वाली जो चीज़ें हैं ना रहें, एक फेयर वैल्यू हमारा बिजनेस शो करे, उसकी गुडविल अच्छी क्रिएट हो। ये सारी चीज़ें हमारी जो ऑडिटर है वो एक वॉच डॉग की तरह बिहेव करता है कंपनी की ग्रोथ के लिए। बट जो हमारा ऑडिटर है, ऑडिटर इज़ नॉट अ ब्लडहाउंड, यानी ये कि जो हमारा ऑडिटर है वो ब्लडहाउंड यही है, यानी ये कि ऑडिटर के पास राइट है कि वो एग्ज़ामिन करे, ना कि किसी भी कोई अगर उस देख रहा है कि ये फ्रॉड कर रहा है तो उसका जाके सीधा केस कर दे या फिर उसको डांटने लगे, ऐसे उसके पास कोई राइट नहीं है। इसके अंदर क्या लिखा है, ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज़ नॉट हार्म टू एनी अदर पर्सन, यानी ये कि जो ऑडिटर है इसके पास ये राइट नहीं है और ना ही इसकी ये ड्यूटी है कि वो किसी भी पर्सन को ऑडिटिंग करते टाइम हार्म पहुंचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, एन ऑडिटर मेक ऑलवेज सिंसियर सिस्टमैटिक हॉनेस्ट एंड द ट्रूथफुल पर्सन, यानी ये कि एक ऑडिटर को हमेशा सिंसियर सिस्टमैटिक और विश्वसनीय और ईमानदारी वाला काम करना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने ओनर ऑफ बिजनेस के प्रति। इसके बाद है, एन ऑडिटर हैज़ अ प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्ट इन ओन फील्ड, यानी ये कि एक ऑडिटर को हमेशा अपने मतलब कि अगर वो ऑडिटिंग करना जानता है तो उसे एक प्रोफेशनल आइडिया होना चाहिए, स्किल होना चाहिए उस कंपनी में ऑडिटिंग करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैज़ डिस्चार्ज टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई इन्फॉर्मिंग अबाउट द इररेगुलरिटी फ्रॉड एंड द मिस्टेक इन द कंपनी।
दैट मीन्स कि हमारा जो ऑडिटर है ये अपने वर्क से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है जैसे ही वो सारी एग्जामिन किए हुए इंफॉर्मेशन को, इरेगुलरिटी, फ्रॉड और मिस्टेक को एग्जामिन करने के बाद कंपनी के ओनर को दे देता है, देन वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। दैट्स वाई यही रीज़न है हमारा, हम कहते हैं कि ऑडिटर हमारा वॉच डॉग, यानी ये कि ऑडिटर जो है वो एग्जामिन करता है। एंड ऑडिटर इज़ नॉट अ ब्लडहाउंड, यानी ये कि जो ऑडिटर है हमारा वो एग्जामिन तो कर सकता है, लेकिन एग्जामिन करते वक्त जो भी फ्रॉड हुए हैं, जो भी इनकरेक्शन हुई है, मिस्टेक क्रिएट हुए, उन सब के लिए किसी से पूछ नहीं सकता कि आपने ये क्यों गलती की। इस तरीके के उसके पास ड्यूटी या फिर राइट नहीं होती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।